प्रदेश सहित अलवर में भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती चल रही है। अलवर में 456 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 15 मई थी। इसके चलते नगर परिषद में युवाओं की भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में आवेदन आए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। एक खास बात ये रही कि प्रदेश में बेरोजगारी का ये आलम है कि इस सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य समाजों के युवा भी नौकरी के लिए आवेदन करने आए, जिसमें MA और BA पढ़े लिखे युवा भी शामिल थे। भर्ती के लिए आया सर। तो क्या क्वालिफिकेशन है? BA है सर मेरी। भर्ती के लिए आए? ये सर सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे, अपनी जो हमारे से हो सकती है सब कुछ कर रहे हैं। बहुत परेशानी उठा रहे हैं, 15 दिनों से हमको खाना पीना सब त्याग रखा है इन कागजों के ऊपर। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मना कर रखा है डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए, फिर भी मैं आई हूँ। जैसे जैसे सांस लेने के लिए धड़कन जरूरी होती है, क्योंकि घर में प्राइवेट धंधों से क्या होता है, घर में चार चार पांच पांच बच्चे खाने वाले, और एक आदमी प्राइवेट काम में कहां तक चला सकता है। प्राइवेट में ज़्यादा ज़्यादा 4-5 हज़ार, ज़्यादा 7 हज़ार लगा लो। इस महंगाई के ज़माने में होता क्या है। हम तो बस ये अरदास करते हैं कि मालिक हर गरीब को नौकरी मिले। वहीं नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता का कहना था कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी होनी चाहिए थी, जिससे वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के युवाओं को ज़्यादा फायदा मिल पाता। तरह से ही सरकार ने इन युवाओं को ठगा है, और जिस हालात में युवाओं की बढ़ती जा रही है बेरोजगारी के लिए, आप ये देखिए कि सफाई का इनका एक जिस तरह से कोई भर्ती प्रक्रिया निकलती है उसमें निकाला जाता है कि भाई इतनी वैकेंसी युवा इसके जनरल कास्ट की होगी, OBC की होगी, ST की, SC, पर यहाँ नहीं। जबकि ये वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ कार्य है, वाल्मीकि समाज इसको करता हुआ आ रहा है इस कार्य को, और वाल्मीकि समाज ने शुरू से किया तो उसको अधिक मात्रा में इनको इसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। पर सरकार का भी कोई मंशा नहीं कि उन्होंने खोला ही नहीं कि भाई किस आधार पर कितने युवाओं को और कितनी कितनी कास्ट और किस तरह से बंटवारा करेंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई जिस समाज से जो ये ज़्यादा बिलोंग करते हैं, जिसको इस चीज़ का ज़्यादा है, उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए, वाल्मीकि समाज को ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए।